विश्वास रखते हैं कि वो कुछ हासिल कर सकते हैं वही अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं। बिलीव सिस्टम मतलब विश्वास प्रणाली, ये शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या विचार आता है? वैसे अगर टिपिकली बात करें तो बिलीव सिस्टम इज अ सेट ऑफ म्यूचुअली सपोर्टिव बिलीव्स व्हिच बेसिकली डिसाइड्स दैट हाउ आवर माइंड फंक्शंस and in which direction it thinks. हर इंसान आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीव सिस्टम की वजह से ही है। हमारी हर हैबिट कहीं ना कहीं हमारे बिलीव सिस्टम से ही डायरेक्टली लिंक्ड है। लोग भगवान में विश्वास क्यों रखते हैं? ये उनका बिलीव सिस्टम है जो उनसे कहता है कि भगवान में विश्वास रखने से उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा और भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपको उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ये उन बड़े लोगों का बिलीव सिस्टम ही है जो काली बिल्ली के रास्ता काट जाने को अपशगुन मानते हैं। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक बिलीव सिस्टम है। अगर आप ये बिलीव करें कि बिल्ली अपने रास्ते पर जा रही थी और आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। योर माइंड इज लाइक अ रोबोट एंड योर बिलीफ सिस्टम इज अ रिमोट कंट्रोलर टू इट। अब डिपेंड ये करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है और कितना वीक, कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव। अब जैसा आपका बिलीव सिस्टम होगा उसी डायरेक्शन में आपका माइंड वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल मोस्ट ऑफ द टीनएजर्स अपने सर्कल में देखते हैं और ये प्रेशर फील करने लगते हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर रियली कूल, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से उनकी पर्सनालिटी और ज्यादा एनहांस होगी उन्हीं के सर्कल में, और धीरे धीरे उनका ये बिलीफ बनने लगता है कि इन सब को करने में कोई बुराई नहीं है और वो ये सब काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम और इसी की वजह से हमारा दिमाग एक गलत रास्ते पर चला जाता है और वो सभी गलत चीजें इंसान को कॉमन लगने लगती है और उनमें उन्हें कोई बुराई नहीं दिखती। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं एंड नाउ वी विल कंसीडर अ प्रोफेशन ऑफ लॉ। जो भी महान लॉयर होते हैं, जितने भी जाने माने लॉयर्स हैं, उन सभी के पास जीतने की स्ट्रेटजी के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज भी होती हैं। वो पहले ही मान लेते हैं और अपने क्लाइंट को भी यही बिलीव करवाते हैं कि केस तो अब वही जीतेंगे और इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और वहीं पे आधे से ज्यादा काम तो हो जाता है क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है तो आपका दिमाग अपने आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है तो जाहिर सी बात है उस केस को जीतने के आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड सेम थिंग वर्क्स इन एवरी फील्ड, इवन इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब अगर जिस इंसान ने दूसरे लोगों की बातों को सुन सुन कर ही ये मान लिया हो कि यहाँ पे कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों के साथ तो सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो कभी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वहीं पर जिस इंसान ने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड बना ली हो, ऐसे में उस इंसान का बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको इस इंडस्ट्री में सक्सेस जरूर मिलती है। एंड दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर बिलीव सिस्टम। अब क्योंकि बिलीव सिस्टम हमारे माइंडसेट को शेप करने में जब इतना बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये बात जानने में आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे आप एक ऑप्टिमिस्टिक और हेल्दी माइंडसेट को बना सकते हैं। हमारे बिलीव सिस्टम को शेप करने में दो मेजर फैक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट योर एक्सपीरियंस एंड सेकेंड इज द पीपल अराउंड यू, दैट मीन्स योर सर्कल। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो बातें लोगों से सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिलीव सिस्टम डेवलप होने लगता है, और हम अपने उन एक्सपीरियंसेस के ही कंक्लूजन्स और इंटरप्रिटेशंस पर ही बिलीव करने लगते हैं। नाउ द नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस वी गेट, द मोर एक्सपोजर वी गेट। तो एक्सपीरियंसेस मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन उनसे निकाले गए इंटरप्रिटेशंस बहुत ही सोचे समझे होने चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज अवर लाइफ। अगर एक बार हम किसी कंक्लूजन पर बिलीव करने लग जाते हैं तो उस कंक्लूजन को बदल पाना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, इवन आप खुद भी उसे आसानी से बदल नहीं सकते। आपके एक्सपीरियंसेस बुरे और अच्छे दोनों ही होने वाले हैं, और हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकाला जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन पर ही पहुंचे,
क्योंकि ये सब चीजें आपकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। और जाहिर सी बात है, हर एक सिचुएशन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता ही है। सो ऑलवेज बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड अवॉइड ऑल द पेसिमिस्टिक पीपल अराउंड यू इन योर लाइफ। सेकेंडली, आपका सर्कल, आप जिन लोगों के साथ भी रहते हैं उनका माइंडसेट और उनके थॉट्स हमेशा ही आपके आसपास रहने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली ये चीजें, सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करती हैं। सो चूजिंग द राइट पीपल इन योर लाइफ इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर यू। हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाएं, या फिर जिनका माइंडसेट आपसे ज्यादा स्ट्रांग है उनके साथ रहिए, ताकि आप भी उसी लेवल तक पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि आप माइंडसेट कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका माइंडसेट किस लेवल का है। अपना और अपने सर्कल का माइंडसेट लेवल चेक करने के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं टेगोनिटी की मेजर ब्रेन ईबुक, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि 10 गधों को अपने आसपास रखने से ज्यादा अच्छा है कि आप अकेले रहें। तो अपनी सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन और हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट रियली हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन योर ब्रेन। और जिन लोगों को हर चीज में नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, हर सिचुएशन के अंदर उनको प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, उन लोगों से बेहतर होगा कि आप दूरी बनाए रखें। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ मुनीबा मजारी, द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, वो भी एक कंजर्वेटिव फैमिली के अंदर। और एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही होती हैं, तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे तैसे उनके हस्बैंड बच जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन मुनीबा को वहीं छोड़ जाते हैं विद मल्टीपल ब्रेकडाउंस एंड फ्रैक्चर। और इस एक्सीडेंट में उनकी बैकबोन की कुछ हड्डियां भी क्रश हो गई थी, जिससे स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि वो शायद जिंदगी में कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उनके रिस्ट फ्रैक्चर की वजह से डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि शायद वो जिंदगी में कभी पेन नहीं पकड़ पाएंगी, और डॉक्टर ने उन्हें ब्रश उठाने तक से मना कर दिया था। वो कभी जिंदगी में माँ नहीं बन सकती, ये उनकी सबसे बड़ी विश थी कि वो अपनी जिंदगी में एक माँ भी बने। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। इस एक्सीडेंट के बाद सभी लोग उन्हें यही कहते थे कि अब उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इतनी सारी मिस हैपनिंग्स के बाद जब सभी लोगों ने उनसे ये कहा कि अब उनकी जिंदगी का शायद कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन के बाद भी उन्हें खुद पर बिलीव था, और सभी को रॉन्ग प्रूव करते हुए शी डिड पेंटिंग एंड शी एक्सेल्ड एट इट, शी अडैप्टेड अ चाइल्ड एंड रिसेंटली शी इज अ मॉडल। आपको पता है वो ये सब कैसे कर पाए? ये सिर्फ उनके बिलीफ सिस्टम का ही काम था। बाकी सभी लोगों ने सिर्फ उनकी डिसएबिलिटीज देखी, लेकिन उन्होंने ऐसे सिचुएशन में भी अपनी एबिलिटीज को पहचाना कि वो ऐसे सिचुएशन में भी क्या कर सकती हैं, एंड शी डिड। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि इतने सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स और थॉट्स सुनने के बाद भी, और इतनी बड़ी मिस हैपनिंग होने के बाद भी, उन्होंने इसे बहुत ब्यूटिफुली ओवरकम किया। And she became the Iron Lady of Pakistan. Pain तो सभी की लाइफ में है, लेकिन क्या आपके अंदर इतने guts हैं कि आप उसे face कर सकें? So at last, it is all your belief system around which your mind revolves. So keep it clean and healthy and optimistic, क्योंकि यही सब चीजें आपकी जिंदगी बनाती हैं। Never underestimate yourself, because you are much more stronger than what you think. कभी भी अपने आप को कम मत ताकिए। जितना आप खुद को स्ट्रांग समझते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। दिस इज द वे फ्रॉम Tegonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।